कार को बैक करते समय एक दोस्त ने अपने ही बुजुर्ग दोस्त को कुचल डाला। हादसे के बाद दोस्त अपने बुजुर्ग दोस्त के शव को नागरिक अस्पताल में छोड़कर मौके से फरार हो गया। हादसा गांव अभयपुर में हुआ। मृतक विनोद शोना के वार्ड नंबर 18 का रहने वाला था, जो कि अपने दोस्त के साथ गांव अभयपुर में किसी से मिलने के लिए गया था। सारा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में एक्सीडेंट का मामला दर्ज कर कार को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला था जी, मेरे ताऊ का लड़का है जी विनोद जी सोनी, सुबह बगीचे में बैठा था और बगीचे से वो धर्मवीर नाम का लड़का पहाड़ कॉलोनी के रसेड़ी जी, उसके साथ वो चला गया पता नहीं कहां। उसके बाद हमें तो फोन आया गया उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में गाड़ी में पड़ी है। हम गाड़ी में आ गए थे, हमने देखा तो डेड बॉडी अंदर थी और वो गायब था। वो बोले भी वो तो गाड़ी खड़ी करके भाग गया। उसके बाद हमें ऐसा लगा कि जैसे उसका मर्डर हुआ हो सकता था हमें। तो उसके बाद में जी हमें जिसका टक्कर लगी वहां से वो बंदा का फोन आया। हम उसे वहां गए जयपुर गांव में, तो वहां हमने ये देखा कि भी 3 से 4 फुट का मामला था। गाड़ी की टक्कर वहां लगी, गाड़ी के नीचे उसने टक्कर मारी बैक में। अब ये पता नहीं हमें तो कह उसने अपने साजिश के तहत मारी। तो वहां किस लिए लेके गए थे वहां पे आपके भाई? ये हमारे जो भाई साहब के मिलने वाले हैं गुजरों में, उनसे मिलने के लिए उसके साथ चले गए, उसे लेके गाड़ी के साथ। अब वो कैसे गई थे ये तो वही जाना जी, ये धर्मवीर बताएगा या फिर वो भाई। तो इसमें आपका शक क्या है इसमें? हमारे शक ये कि उसे जो इतनी थोड़ी सी जगह पे टक्कर कैसे लग जाएगी, पूरी तरह रौंद दिया, सारे लत्ते फटे पड़े हैं, सिर की खाल फटी पड़ी है, सारा शरीर रौंदा पड़ा। तो आपको शक है कि आपके भाई क्या लग रहा है शक? क्योंकि सड़क पे होता तो मानते वो 3 फुट की जगह में। और फिर जिसके घर गए थे वो बंदा वो नहीं थे वहां पे मौके पे, उन्होंने तो वीडियो देखी है। हमने वीडियो देखी, वीडियो में देखा कि पीछे बैक में वो खड़ा था, अरे दूसरे एकदम से पीछे स्पीड में टक्कर मारी, स्पीड में मारी रेस मारी। तो इसमें आपके भाई की हत्या कर दी लग तो सकते, हमें तो ऐसा है जी। तो इसमें पुलिस को कार्रवाई करनी है? पुलिस कार्रवाई देखो जी, अब जा रहे हैं पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई, अब पुलिस के ऊपर है जी कानून क्या करता है। सच्चाई सामने आने चाहिए, हम तो ये जानते हैं, चाहे वो मर्डर है चाहे वो कुछ भी है। सोना से संजय राघव की रिपोर्ट।